सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। मेरा नाम है प्रवेश मदनानी। आपको स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। आज हम कवर करने वाले राजवाड़ा पैलेस को, तो देख लीजिए एक झलक। और टिकट लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कैसा क्या सीन है। आज हमारे साथ है अमीश एज एन कैमरामैन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हाँ भाई अमीश। हाँ तो भाई, जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में कि ये 20 रुपये हमारी चार्जेस लगे अंदर आने के पर पर्सन। और बाकी अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ से मंदिर आए थे, यहाँ से ऊपर आके ये अपनी पहली लाइन है राइट साइड में। बस यही करो तो उंगली दिखाते रहो। यहाँ से गाइस ऊपर जाने का रास्ता है बालकनी वगैरह में। भाई ये क्या तिजोरियाँ विजोरियाँ क्या? देखना नहीं, चल जाना हो जाना है क्या? कुछ निकाल के ले चाबी लगती बेटा खोलने के लिए। चल चल चल, चाबी लगती है ना, आ जाता। भूत बंगले में एंट्री लेना है। बंगला भी पैसे ही है तो बनवा रहा है इन प्रोग्रेस। ओ गाइस, भाई यहाँ भी तिजोरी है। मैं तो बोलता भाई ये क्या है, क्या इतनी सारी तिजोरियाँ? मैं तो बोलता है मास्टर की खरीद लेते अपन। तो भाई जहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ से क्या व्यू आता है बाहर का। क्या एटर्स की जलाने के लिए यही थंबनेल लगाऊंगा मैं, एटर्स की जलाने के लिए, है ना? अबे गलत बोल दिया, एटर्स की जली हुई बुझाने के लिए। भाई क्या करते होंगे राजा रानी यहाँ पे बैठ के? व्हाट डू यू थिंक? भाई इसके बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ महल के बारे में। इसके बाहर से आपने देखे होंगे कि टोटल 7 फ्लोर्स हैं, और जिसमें से जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जो है वो पूरे रॉक के बने हुए हैं, और ऊपर के जो 4 फ्लोर है वो बने हुए वुडन के। आर्किटेक्चर यार, उस ज़माने का आर्किटेक्चर इतना ख़तरनाक होता था, है कि नहीं? ये इसकी गाइस बालकनी से व्यू है अंदर का। एक और सीढ़ियाँ गाइस, छलांग लगा ऊपर से। पक्का लगा लेता हूँ। नदी चाहिए हमको यहाँ पे, नदी के महल में नदी चाहिए। भाई भूल भूलैया की याद आ रही है खुद यहाँ पे। चल चल, कॉपीराइट मान ली। अबे ये क्या ऊपर घर थे पहले? क्या घर नहीं है, अगले बंदे हवेली है ये। और क्या वो सामने का कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? हाँ चलो, चल रहा होगा अपने वो। बस इसके ऊपर जाने के लिए ताला लगा क्या? क्यों इधर क्या है? हैं मे बी पानी अंदर हो। चुड़ैल उड़ेल की बात वो सुनने में भी आया था एक बार कि ऊपर जाने के लिए जो फ्लोर बंद करके रखा है ना, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए नॉर्मली भी। एक बार कोई गया था, वापस नहीं आया शायद, शर्म। पूरा व्यू मिलता है आपको राजवाड़ा मार्केट का, जो पूरा मेन सर्कल है। वहाँ सामने बाइक की स्टैचू बनी हुई है। बत्ती। अच्छा यहाँ पे शाम को कुछ लाइट शो भी होता है। हाँ सुना है मैंने, बाकी आइडिया नहीं क्या होता है, क्या होता है। लाइट शो बस सुना हुआ है। ओके तो ये अपोजिट साइड में आने का रास्ता था। यार फिर से ऊपर जाओ, फिर पूरा घूम के वापस ही आना पड़ेगा क्या? Yes. आर्किटेक्चर बनाया मैंने, क्या बना के रखा ही है। हज़ार सब्सक्राइबर 4,500 घंटे, सॉरी 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे करवा दो गाइस, ये महल खरीद लेंगे हम। नहीं थंबनेल डाल देते हैं, काम करते क्या, गोइंग टू बाय रानी होलकर लाइक। क्या बोल रहा है? नीचे आ गए और क्या, सब देख लेंगे, सब देख वीडियो में दिखा देंगे। कंटेंट बहुत है भाई, आपका बहुत है यार, इंदौर के अंदर कंटेंट बहुत है यार। सबसे टॉप फ्लोर पे क्यों नहीं जान देते यार, रहती क्या रानी हुई भी। ये अंदर महल के राइट वाला हिस्सा, यहाँ राइट में भाई ये जेल वेल बने हुए हैं क्या भाई, ये बढ़िया लगते हैं यार। करंट तो नहीं आएगा ना? मेरी दादी के घर पे आज भी है भाई, करंट तो नहीं आएगा ना, लाइट तो जल नहीं रही है, क्या ही करंट आएगा, करंट है भी नहीं बस। ये क्या जेल है क्या है ये विश्राम गृह टाइप बना रखा है, तहखाना भाई, ये छोटे छोटे से जेल लग रहे हैं मुझे तो। ऊपर जाने के लिए नो एंट्री, आ जा वही इधर इधर आ जाओ भैया, रीलर इंस्टाग्रामर यहाँ अंदर आ जाओ। ओ भाई साहब क्या जगह है यार, मतलब उस वक्त की भी क्या ही कारीगरी थी बजाय के हैं। यहाँ से कभी सुबह धूप आती थी तो अंदर आती थी, भाई क्या कारीगरी है यार पुराने ज़माने की। ऐसा लगता ना पुराने महल में आके, ऐसा लगता अपन भी लाइक उस ज़माने में आ गए। चले चले बाहर जा रही था, बड़ा अच्छा खासा घूम के जा भाई, यहाँ ऊपर जाने नहीं देंगे क्या भाई? तो पूरा महल तो दिखाते हैं नहीं यार, काम का क्या भैया, अपने को तो रियलिटी देखनी है जो बना के देखना, काम ही चल रहा है। हाँ मैंने खुद ही देख लो, बचपन से काम ही चल रहा है। जाएँ क्या, एक बार ट्राई करते ना, कौन देखेगा, वापस आने की गारंटी नहीं है। पता चला रानी भाई आ जाए घेर ले, यहाँ भी बंदे भाई, तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या है ना, जा सकते हैं नहीं, ऊपर बैठे हैं, कोई जाने नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं है। इधर साइड से बाहर भी आ गए, सही बात है। आधे से ज़्यादा मंदिर तो मैंने मंदिर तो कहीं पूरा महल इन्होंने बंद करके रखा है, इसके अंदर जो मंदिर वगैरह हैं बहुत सारे तो ऐसे द्वार हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नो एंट्री एंड ऑल दैट, तो क्या ही कवर करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी जितना हो पा रहा है उतना दिखा रहे हैं। जैसे अब ये हमें दिखाए होलकर राजवंश के प्राचीन मल्हारी मार्तंड मंदिर का प्रवेश द्वार राजवाड़ा के उत्तर द्वार से, तो यहाँ पे बंद कर दिया। तेरे नाम का द्वार भी है भाई। अरे ओके ये इनसाइड एरिया है, ये अंदर काम चल रहा है। एक छोटा सा झूमर लगा हुआ, ये गणपति बप्पा है ना, गणपति बप्पा का मंदिर, थोड़े बहुत मोनूमेंट्स स्कल्पचर्स रखे हैं यहाँ पे बहुत। क्या रानी होलकर के ज़माने में क्या लड़ाई झगड़े नहीं होते थे क्या, हैं जंग वग, सॉरी जंग वंग नहीं लड़ते थे क्या लोग? नहीं कुछ मेरे को तोप वगैरह वो सब नहीं दिख रही ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। होलकर राज्य की स्थापना और राजवाड़े का इतिहास, हटना गाइस आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ए और साइड ये आप पढ़ लेना फ्री टाइम में, इसका एक स्लो मोशन भी डाल देता हूँ। जितना एरिया कवर हो सकता था हमने कर लिया, पूरा मंदिर होलकर वो राज्य का, उसके अंदर जो लिखा हुआ है पूरा बोर्ड लगा हुआ है वो दिखा दिया। आप जितना भी देख रहे हो सब अंडर कंस्ट्रक्शन करके रखा है, तो ऊपर लाइट शो वगैरह होता है। वहाँ ऊपर तो जाने की अनुमति नहीं है, बोलते हैं कि वहाँ पे लाइक कुछ शक्तियाँ एंड ऑल हैं, तो वहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं। ओके, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं दरबार हॉल, यहाँ से रानियाँ थे बैठा करती थी या देखा करती थी, जो भी हमें कार्यक्रम वगैरह वो सब देखने को कुछ मिला नहीं, पर क्या ही कर सकते हैं, जो भी है गवर्नमेंट ने जितना अलाउ किया है दिखाने के लिए उतना दिखा के चलते हैं। बाकी फिर कभी जब पूरा अच्छी तरह बन जाएगा, और अभी बाहर निकल के समझते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि क्या बनाना है। कुछ गोपाल मंदिर या कांच मंदिर भी है आसपास, लाइक से